सो दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। अभी इस वक्त मुझे मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं बिकॉज this road trip united 2021 now we are at Vizag so we met some local bikers in Vizag and we are going to explore the Vizag city not explore the unexplored Vizag city and we'll take some good photos and videos here so just check it out फ्यूल इन मैनी प्लेसेस बट आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्योर प्लेसेस अगेंस्ट मतलब ऑन अ बीच सनी भाई हम कहीं भी पेट्रोल कर सकते हैं मतलब कहीं पर भी हम पेट्रोल पम्प बना सकते हैं बिकॉज ये हमने जो थार पे ये सब ये देखिए ये सारी चीज़ें हैं तो ऐसी ऐसी जगह पर देखो हम कभी भी पेट्रोल भर सकते हैं कहीं पे भी ऐसी ऐसी जगह पे पेट्रोल पंप बनाया हुआ हमने कि इतनी सुंदर जगहों पे कि इमेजिन नहीं कर सकते आप और यहाँ पे मतलब मोटरसाइकिल को भी पीने में बहुत मज़ा आएगा सो विशाखापट्टनम एक अलग ही चार्म है ना कोस्टल सिटीज़ का और जो कि यार हमें लैंड लॉक मतलब दिल्ली में रह रहे के ना ऐसा लगता है कि मतलब ये इनका अपना ये अलग ही अलग ही लेवल है अलग लेवल का मजा बहुत सुंदर है जीने का अब हिल्स भी हैं हाँ वही तो मतलब मैं अभी ब्लॉग में बोल रहा था कि हम ऐसा लग नहीं रहा है कि कहीं किसी कोस्ट के पास में आसपास है ऐसा लग रहा पहाड़ों पे कहीं आए हुए हैं बहुत रेयर है और ये देखो यहाँ पे मोटरसाइकिलिंग जैसे कहते हैं ना यूनाइट्स एवरीवन तो सब लोग तो अभी हम वी आर एक्चुअली डूइंग फोटोग्राफी विद दीज गाइज वन ऑफ द लोकल गाइज ही पिंग्ड मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ही इज टेकिंग अस अराउंड सो ब्रो व्हाट्स योर फुल नेम माय फुल नेम इज कुल्लेपुर स्थित प्रज्ञा यू कैन कॉल मी केएसपी तो आज एक्स बी एच पी की राइड वे हम जो रोड ट्रिप यूनाइटेड 2021 है विशाखापट्टनम में है सी बीच के मज़े ले रहे हैं और अमेजिंग सा सनसेट हो रहा है बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पे मज़ा आ रहा है पिछले 2-3 दिन से मैं S2 को चला रहा हूँ बहुत ही अल्टीमेट परफॉर्मेंस मिल रही है मुझे हाईवे हो या फिर सिटी हो हर जगह अच्छे से चल रही है इसके अंदर यूज़ किया गया है कैस्ट्रॉल पावर वन अल्टीमेट पता नहीं यार क्या टेक्नोलॉजी बना रखी इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है गियर शिफ्टिंग वगैरह बहुत सही हो रहा है इसका हीटिंग इशू भी नहीं है एनी आओ मज़ा ले रहे हैं हम अभी यहाँ सी बीच के दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग अभी इस वक्त मुझे मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं बिकॉज एज यू कैन सी ऑन द लेफ्ट इज़ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट बाइक एंड ऑन द राइट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैपेसिटी प्रोडक्शन मोटरसाइकिल आई मीन एंड लुक एट दिस व्यू मेरा ये कोई सपना तो नहीं है आई मीन लिटरली मैं क्या बोलूँ आई मीन आई हैव टू गिव दीज मशीन्स अ हग यू नो थैंक यू फॉर कीपिंग मी सेफ एंड मैं क्या बोल सकता हूँ मतलब ये जितनी ही ज़्यादा फास्ट हैं अट्रैक्टिव हैं उतनी ही ज़्यादा पोटेंट हैं मतलब बहुत ज़रूरी है दिमाग से चलाना बहुत ज़रूरी है अपने सराउंडिंग्स को देख के चलाना इन मशीन्स को एंड बस मैं भगवान को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि ये जो उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है मुझे और XBHP को और हमें एक साथ ये दोनों मशीन्स और भी मशीन्स थार और
इतने सारे लोग, इतने सारे लोगों का प्यार। मैं बस कहना चाहता हूँ थैंक यू गॉड, थैंक यू एवरी वन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड कीपिंग अस सेफ। सो अभी हैं हम वाइजैग में और हमारे चारों ओर आप देखो क्या हाल हो रहा है। ये हमारा होटल है एंड यहाँ पे लोग 3 बजे से आए हुए हैं मिलने के लिए भैया सनी यादव को। सो उसकी जो फैन फॉलोइंग है वो इधर है, जैसे आंध्रा और साउथ और इस तरीके के यू नो इलाकों में। तो बहुत मतलब हमने ये नोटिस करा है कि यूट्यूबर्स जो हैं और स्पेशली जो रीजनल यूट्यूबर्स हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है इन इन्फ्लुएंसिंग द यूथ यहाँ पे। मतलब पागल हैं लोग यार, वो देखो आप कि क्या। तो 3 बजे से वेट करना, अभी 6:30-7 बज रहे हैं, इट्स समथिंग। एंड यू नो ऑल ऑफ दीज आर वेरी यंग पीपल। सो अभी ये जो सीखेंगे, मतलब जैसे अगर जो BSY है जो वो उससे, तो वो बहुत मैटर करता है, उसके हाथ में बहुत पावर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो ये सब सोच के रखना, क्योंकि आप लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे और वो लोग आपसे सीखेंगे और वही चीज़ करेंगे जो आप उनको बोलोगे करने के लिए। यहाँ पे हर तरीके की बाइक्स हैं, मतलब डोमिनार है मेरे साइड में, स्कूटर्स हैं और रॉयल इनफील्ड्स हैं, सुपर बाइक्स तो हैं खैर। तो अभी हम जा रहे हैं सेंट ल्यूक्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग है। ये है यहाँ का हॉलीवुड, अगर आप उधर देखो माउंटेन हिल के ऊपर, और काफ़ी अच्छी फील है वाइजैग सिटी में। मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ पे माउंटेन्स भी हैं और रोड्स भी थोड़ी ऐसी कर्वी सी हैं, और ऑफ कोर्स ओशन तो है ही। सो और आगे देखो कितना, मतलब यूरोप की याद आ रही है मेरे को, यहाँ पे कुछ यूरोपियन सिटीज़ हैं उनकी मेरे को यहाँ पे याद आ रही है। अभी हम बीच की तरफ जा रहे हैं, सुंदर है। कल हम गए थे शूट करने तो काफी विंडी था। बीच एरियाज में क्या है कि अगर थोड़ा सी हवा चलते रहे ना तो बेटर रहता है, वरना वो क्या है कि बहुत ज्यादा ह्यूमिड और वो चिपचिपा सल्ट्री सा हो जाता है। और आज ही हमें मीट के बाद विजयवाड़ा जाना है, और हम लाइक वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 600-700 पीपल टुडे, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो हम पहुंचने वाले हैं यहाँ पे सेंट ल्यूक्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग में इन वाइजैग। एंड सो हमारे को क्या था कि बहुत बड़ा ग्राउंड चाहिए था, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड लॉट ऑफ पीपल, लाइक 500-600 लोग। तो हेल्प करी हमारी यहाँ पे लोगों ने टू फाइंड द ग्राउंड। तो इस जो रोड ट्रिप में है उसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंस यही दिखा है कि जिस तादाद में, मतलब क्वांटिटी में लोग आ रहे हैं वो कुछ ज़्यादा ही है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ग्राउंड, और हम ऑलमोस्ट ये पहुंच ही गए हैं। ओ, 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 ओ ये देखो, ये देखो किधर जाना है, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। हाँ ये रहे सारे लोग, चीखे सुनिए आप, चीखे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ना। How are you? Hi, Sandeep bhai. कैसे हो? Hi, Sunny भैया. Hi, hi. Hi, hi. ఎవరైతే కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్తారో వాళ్ళకి మాత్రమే బ్రో, నేను కొన్ని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను, ఆన్సర్ తెలిసిన వాళ్ళు చేయలేక ఆన్సర్ చెప్పాలి, ఓకేనా?
लेपे चप्पाली आंसर जी चाहिए चलो चलो ब्रो All right, so join the Road Trip United 2021 here in Vizag. What a city! Climate काफ़ी सही, लोग बहुत ही ज़्यादा सही. Well, meetup जो है just हमने अभी ख़त्म किया है. Lot of selfies, lot of bikers, lot of people. I rode here on the TVS N-Talk for the first time ever and loving that super scooter is what I am calling it. And Vizag से जो है आगे now today we will go to Vijayawada. आज की जो है स्पेशल बात यह है कि not just that कि मैंने राइड ज्वाइन किया, आज मेरा बर्थडे भी है. सो विल बर्थडे इससे अच्छा बिल्कुल नहीं हो सकता है. ऑन द रोड विद गुड फ्रेंड्स, लॉट ऑफ बाइकर्स, सो लेट्स गो अहेड एंड हैव अ ग्रेट राइड. इस सुहाने सफ़र में गर्मी बढ़ते जा रही है और आज की राइड हमारी होने वाली है वाइजैग से विजयवाड़ा की. ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर की राइड है, एंजॉय करेंगे. वैसे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, पसीने हो रहे हैं पसीने. सो व्हाट अ ग्रेट व्यू दिस कैफे हैज. आई मीन जब हम सुबह सुबह निकलते हैं कहीं पे भी तो होटल में होते हैं और होटल में ही ब्रेकफास्ट करते हैं, और कुछ कुछ बार कभी कभी तो वो भी करने को नहीं मिलता बिकॉज हमारी जो मीट होती है वो इतनी जल्दी होती है. बट इस बार थोड़ा सा टाइम मिला एंड वाइजैग आई थिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज़ ऑन द राइड. बोला ये कैफ़े है सामने ओशन और उसके अंदर बहुत सारी शिप्स हैं छोटी छोटी, तो एक अमेजिंग सा मतलब व्यू आ रहा है. और जो जो द वेव्स ऑल्सो दे आर प्रीटी स्ट्रॉन्ग होते. बट ये 2006 में मेरी यहाँ पे एक मेमोरी है ऑफ मी ऑन द फायर ब्लेड इन फ्रंट ऑफ द सबमरीन. सो एक्चुअली वो इसी रोड पे एंड आई विल ट्राई टू रेप्लीकेट दैट विद दी H2. मतलब H2 पे भी वैसे ही खड़ा हूँ मैं जैसे 2006 में फायर ब्रिगेड पे खड़ा था उस सबमरीन के सामने. तो वही जगह पे आके 15 साल बाद ऑन अगेन 1000cc बाइक, बट जो वो बाइक है मतलब उस इट्स लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट. पहले वो 170 BHP थी, अब 220 BHP है, सुपर चार्ज है. एंड बट एक कॉमन चीज़ है, दो कॉमन चीज़ है, एक तो मैं हूँ उसके ऊपर और एक कैस्ट्रॉल पावर वन है उसके अंदर. वो भी कैस्ट्रॉल पावर वन ब्रांडेड थी और ये H2 भी कैस्ट्रॉल पावर वन ब्रांडेड है. सो मतलब ऐसी थोड़ी बहुत जो कॉमन चीज़ें हैं वो ना दे मेक यू नॉस्टैल्जिक. एंड फिलहाल आज हम जा रहे हैं विजयवाड़ा. विजयवाड़ा इज़ बेसिकली गोइंग इनलैंड एंड देन हैदराबाद. सो हैदराबाद विल बी प्रीटी हॉट, यू नो इट्स एक्चुअली लैंड लॉक्ड, तो वहाँ पे भी एक मीट है. एंड देन फ्रॉम देयर वील कंटिन्यू डाउन साउथ टिल कन्याकुमारी. सो फॉर नाउ आई थिंक वी नीड सम रश ऑफ एड्रेनालिन एंड वाटर एंड जूस ब्रेकफास्ट टाइम. सो ये जो रोड है बीच रोड इन वाइजैग, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रोड्स आपको मिलेगी एक कोई भी सिटी में इंडिया में. यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे स्कल्पचर मतलब सबमरीन के और साथ में उसके ऑपोजिट सबमरीन के एक वो एविएशन म्यूजियम भी है. मतलब क्या क्या नहीं है यहाँ. एंड बेस्ट पार्ट मुझे लगता है कोस्टल सिटीज़ का कि जो हवा चलती है और साफ हवा चलती है बहुत मज़ा आता है. मतलब अब थोड़ा सा दुख हो रहा है कि वापस हम मिलने जाएंगे विजयवाड़ा और हैदराबाद की तरफ, बट क्या करें पूरा इंडिया कर रहा है और सारा इंडिया ब्यूटीफुल. बट लेट्स